कैसे खड़ी है यहाँ पर? भाई साहब मैं भाई साहब बोल रही हूँ, मुझे भाई साहब बोल रही है। वो टेक कैसे लगा के खड़ी है? तुम जैसे गरीब बंदे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल दूर हो यहाँ से, हट। गाड़ी से दूर खड़ी हो मैडम, संभाल के। मेरा आखिरी महीना है, मेरा भाई आता ही होगा। अब बस मैं 2 मिनट यहाँ खड़ी रहूंगी। अच्छा 2 मिनट खड़ी होना। तुझे एक बार भी समझ नहीं आता है, इतनी महंगी गाड़ी है और इतने गंदे कपड़े पहन के उसको गंदे कर लिए। यही तो तेरे को ना यही चीज गंदी बनाती है, सूट वूट पहन के घूम रही है। अरे ऐसा मॉडल बन के रहा कर, और क्या तू महीना 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 लगा रखा तूने? हमने कहा था क्या पेट में बच्चा लेके घूम यहाँ पर? और मेरी गाड़ी से दूर। कैसा लगा, मजा आया? अरे मैं उठाती हूँ, मैं ना आपकी मदद करती हूँ। ये ना ऐसे नहीं मानेगी, घूर दबा इसको। आप लोग बच्चे की बतवा मत लो। बच्चे की बतवा मैं बताती हूँ। ये ना मुंह बंद रख, दबा इसको सही से। तड़प लो थोड़ा। ऐसे नहीं मानेगी ये। वैसे मुझे ना मजा आया, ये बच्चा निकल जाएगा ना यहाँ पे, तो जिसके सर पे बोझ होगा ना उसका बोझ कम हो जाएगा। तुम जैसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए। चला ना औरत। अरे क्या बिगाड़ा आप लोगों का, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? तूने पता क्या बिगाड़ा? मेरी गाड़ी के सामने टेक लेके खड़ी होने की जरूरत कैसी की? लोग ना हमारी गाड़ी को देख के फोटो खींचने की कोशिश करते, और तू भी यही कर रही थी, है ना? नहीं नहीं मैडम जी, भाई आने वाला था मैं। भाई ये नहीं बोलो, तेरे को तो मैं बताती हूँ, तेरा भाई जब तक आएगा ना तब तक वो मामा नहीं बन पाएगा, बच्चा तो चला जाएगा बाहर। मुझे तो लग रहा है ये भी नहीं रह पाएगी आज, रहने ही दूंगा इसको मैं ना। इसकी हिम्मत क्या थी? मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे तुझे किसने कहा था टेक लगाने? किसने कहा था तुझे टेक लगाने के लिए? अरे ये थप्पड़ क्या मार रहा है? ऐसे थोड़ी ना स्वागत करते, इसका स्वागत छोड़ दो, बच्चा मर जाएगा, छोड़ दो। मैं यही तो चाहती हूँ कि मर जाए, ताकि किसी पे बोझ ना बने। बच्चा नौरत पता नहीं किसका पाप लेके अपने पेट में घूम रही है। मैडम एक बार हाथ दे दो, उठने में दिक्कत हो रही है। मैं लोगों की बहुत अच्छे से मदद करती हूँ, जैसे कि तेरी कर रही हूँ। बच्चा निकल जाएगा ना तो तेरे सर पे भी बोझ कम हो जाएगा, किसी को पाप नहीं बना पाएगी इसका, है ना? और ये गरीब लोग ना बच्चा पाल भी नहीं पाते हैं, और फिर वैसे भी आके बेचारा ना दर दर की ठोकरें ही खाएगा। इससे अच्छा है वही दुनिया में ना आए। दुनिया में आ भी जाएगा तो अफसोस करेगा, पता नहीं किस बच्चलन औरत के घर में जन्म ले लिया उसने। तो इससे अच्छा है कि वो जन्म ही ना ले। तो मैं ना तेरा काम आसान कर रही हूँ, तेरे बच्चे का भी, समझी? इसको ना सबक सिखाना जरा। तुम लोग हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तुम लोगों की मेरी दीदी बाल उठाने की? सर वो तो गिर गई थी, वो गिर गई थी। दीदी क्या हुआ यहाँ पर? अरे बहन देखो ना, मुंह बंद कर। दीदी तुम बताओ क्या हुआ? भाई मैं इनके कार के पास आपका वेट कर रही थी, और इन दोनों ने आकर इस बच्चे को बहुत ज्यादा मारा है। झूठ क्यों? मुंह बंद। दीदी तुम बताओ क्या हुआ? अरे बहन जी ना मुंह बंद करो। दीदी तुम बताओ। भाई मैं आपका इनकी कार के पास वेट कर रही थी, और इन दोनों ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है। इनको मैंने बताया मेरा आखिरी महीना चल रहा है, मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने इतने गंदे तरीके से मुझे मारा, और मेरे होने वाले बच्चे को भी मारा है। पता नहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में अब आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। तुम लोग इंसानों की जानवर हो, जरा सी भी समझ नहीं तुम्हारे अंदर, गोबर खाते हो या रोटी? प्रेग्नेंट लेडी है जिसका आखिरी महीना चल रहा है, तुम लोग इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो उसके साथ? मन तो कर रहा है ना कानून सारा भूल कर तुम लोगों को फांसी की सजा दे दूं, लेकिन मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हो। अगर मैंने अभी ये बल्ती नहीं पहनी होती ना तो तुम दोनों को यही जिंदा गाड़ देता मैं। मुंह बंद कर। पहली बात तो आपको ना अपनी बहन को समझाना चाहिए, किसी के गाड़ी के सामने खड़ी होंगी तो वो क्या करेगा? यही करेगा ना, इतनी महंगी गाड़ी है हमारी। कितनी महंगी है? एक इंसान की जान से ज्यादा महंगी है वो गाड़ी। तो पे गाड़ी ले लेते हैं और अपने आप को ऐसे दिखाते जैसे कितने बड़े बाप की औलाद हो। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो तुम लोगों को मैं, 12,000 रुपए की कॉल सेंटर में नौकरियां करते हो, और ऐसा दिखाते हो जैसे कितने बड़े बाप की औलाद हो, है ना? 3600 EMI चल रही होगी तुम लोगों की,
फोन की अलग, गाड़ी की अलग, घर की अलग। तुम लोग तो मैं छेल के छक्के पिसवाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप को अलग। मेरे पापा यहाँ के बिजनेसमैन है। तेरे बाप को मैं रगड़ते हुए लेकर आऊंगा थाने के अंदर, होगा तेरा बाप बिजनेसमैन, लेकिन यहाँ कानून चलता है। कानून के आगे ना तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चों के बिजनेसमैन बाप है ना भाई गुजारे। आप रगड़ते, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप क्या सोच रहा है, तू बच जाएगा, तेरे पे भी इतनी धाराएं लगेगी ना, तेरी जवानी तो जेल में शुरू होगी, लेकिन बुढ़ापा जेल से बाहर निकलने के बाद भी खत्म नहीं होगा। ये मुझे माफ कर दो दीदी। माफ नहीं क्या करेंगे, इससे आ चुकी है। चलो चलो।